नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंजाब टीम से जुड़ी एक और खास वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब टीम के पहले मुकाबले के बारे में। जी हाँ, अपडेट्स तो हम सब हमेशा जानते ही रहते हैं, लेकिन पहले मुकाबले का रिव्यू देख लेते हैं यार। और जो पंजाब टीम के हेड कोच ने कहा था कि हम सभी को तीन चीज़ों पर काम करना रहेगा, पहली बात तो टॉप ऑर्डर में कोई बल्लेबाज लंबी पारी खेले, गेंदबाजी में मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाने होंगे, इसके अलावा हमें एक अच्छी फिनिशिंग देनी होगी। और ये तीनों डिपार्टमेंट में पंजाब टीम ने पहले मुकाबले में काम किया और अपनी नीति के तहत पंजाब की टीम ने मुकाबले में जीत दर्ज की। चलिए एक बार जानते हैं डिटेल में कि कहां कहां पर पंजाब की टीम ने मौके पर चौका मारा है। सबसे पहले अगर हम टॉस की बात करें तो वहां पर शिखर धवन भले ही टॉस हार गए हो, लेकिन उनका भी मन गेंदबाजी करने का था क्योंकि पिच बहुत ही अच्छी थी बल्लेबाजी के लिए। हालांकि यहां पर टॉस हारने के बाद शिखर धवन ने यह भी सोचा कि पहले बल्लेबाजी करके अगर बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं तो जरूर हम सामने वाली टीम को प्रेशर में डाल देंगे, और सेम वैसे ही हुआ। पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बना दिए, और यहां पर जो उनके रणनीति का हिस्सा था कि टॉप ऑर्डर में कोई एक बल्लेबाज लंबी पारी खेले, हालांकि वो 70-80 वाली पारी कोई खेल नहीं पाया, लेकिन प्रभ सीमन सिंह ने एक जो छोटी सी नॉक खेली वो बहुत ही अच्छी नॉक खेली। इसके अलावा भानगढ़ जयपक्ष के 50 रन और शिखर धवन भी 14 ओवर तक टिके थे। हालांकि कम से कम एक जो ओपनर बल्लेबाज है उसको थोड़ा लंबे समय तक टिकना, तो शिखर धवन ने बखूबी वो रोल निभाया और भानगढ़ जयपक्ष ने बहुत ही अच्छा साथ दिया। यानी कि पंजाब टीम के टॉप ऑर्डर ने उस बड़े टारगेट का नींव रखी, शुरुआत अच्छी थी पंजाब टीम, और अंत में आगे जितेश शर्मा, शाहरुख खान, इसके अलावा देखें तो सिकंदर रजा और सैम करन, ये जो फिनिशर्स है पंजाब टीम के, ये अपने मन पसंदीदा शॉट को खेले और एक अच्छी फिनिशिंग दे, और सेम वैसी हुआ। शुरुआत पंजाब टीम की अच्छी हुई, शुरुआती बल्लेबाजों ने नींव रखी, अंत में आगे सैम करन, शाहरुख खान, सिकंदर रजा जैसे खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दी। भले छोटी नॉक खेले हो, लेकिन 8 गेंदों पर अगर कोई बल्लेबाज 20-25 रन बना देता है तो बहुत ही अच्छी नॉक रहती है। अगर 20-25 रन हर बल्लेबाज बनाए नंबर 8 तक, तो ऐसे ही आपके कम से कम 120-150 स्कोर हो जाएंगे। तो पंजाब टीम ने सेम वही किया, बड़ा स्कोर खड़ा किया। उसके बाद जब गेंदबाजी की पारी आई तो वहां पर अर्शदीप सिंह ने फिर एक बार कमाल दिखाया, पंजाब टीम को अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाया जो पंजाब टीम को चाहिए था। लेकिन पंजाब टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मिडल ओवर्स में विकेट चटकाए, और सेम मिडल ओवर्स में विकेट चटकाए क्योंकि IPL 2022 में ये कमी थी पंजाब टीम के अंदर, विकेट्स नहीं चटकाते थे मिडल ओवर्स में, लेकिन यहां पर मिडल ओवर्स में विकेट चटकाए। अर्शदीप सिंह ने भले ही शुरुआत में 2 विकेट दिलाए पंजाब टीम को, लेकिन उसके बाद नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर की जोड़ी जमने लगी थी, लेकिन फिर वहां पर सिकंदर राजा ने आगे उस जोड़ी को ब्रेक किया। राहुल चहर ने अच्छी गेंदबाजी की, नेथन एलिस ने भी अच्छी गेंदबाजी की, ओवरऑल देखे तो गेंदबाजी शानदार रही। हालांकि लास्ट में शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण मैच को बना सकते थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन बारिश के चलते अगर हम देखें तो पंजाब टीम को यहां पर एडवांटेज ही मिला क्योंकि पंजाब टीम ने KKR के 7 विकेट गिरा दिए थे। अगर 6 विकेट ही गिरा होता फिर भी पंजाब की टीम ये मुकाबला हार जाती, तो जो 7 विकेट पंजाब टीम के गेंदबाजों ने गिराए थे उसी का फायदा हुआ कि बारिश के चलते पंजाब की टीम मुकाबले में जीत हासिल की। लेकिन वो जो 3 डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे थे कि मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाना है, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, कोई बल्लेबाज लंबी पारी खेले और फिनिशिंग अच्छी हो, ये तीनों ही चीज़ें हम सभी को पहले मुकाबले में देखने को मिली। और उम्मीद है कि पंजाब टीम के खिलाड़ी आगे के मुकाबले में भी इसी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फंडा है, और शायद ये पंजाब टीम के लिए अच्छा रहा कि मिडिल ओवर्स में विकेट निकाले स्पिनर्स ने। बाकी इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए यार, लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है, वहां पर आपको फैंटेसी टीमों से जुड़ी अपडेट्स मिल जाएगी। तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जाके वो जो टेलीग्राम का लिंक है उसको भी जाके आप लोग ज्वाइन करिए, अगर आप पंजाब टीम के IPL के क्रिकेट के बड़े वाले फैन हो। बाकी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।